हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी का। एपी वर्मा एजुकेशन नॉलेज में आप सबका फिर से स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आप लगातार हमारे वीडियो में बने हुए हैं, इसके लिए आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद कि आप अपने तैयारी में इतना कार्यरत हैं कि आप जो है पीछे का नाम नहीं ले रहे हैं, आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। और इस बढ़ते हुए उम्मीद से कि आपके आने वाले एग्जाम सबसे अच्छे और बेहतर होंगे और नॉलेज आपको परफेक्ट रूप से मिलेगा और नॉलेज दिया भी जा रहा है आपको और आप नोट्स भी तैयार कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ से आप अपने चैनल के माध्यम से, एपी वर्मा एजुकेशन नॉलेज के माध्यम से आप सभी चीज़ सीख रहे हैं, अच्छे से सीख रहे हैं। और जो है साइंस के टॉपिक को अच्छे से कवर की जा रही है। दूसरे टॉपिक में हम चल रहे हैं जिसमें हमारा लेक्चर 5 है, ठीक है। तो दोस्तों, आप सभी लोग जो है कमेंट करते रहिए, हम अपने टॉपिक की तरफ जो है चलते हैं, ठीक है। जैसे शिवम, कैफ अली, ठीक है, और जो है शुभम और करण, और जो है हमारे और सभी जो स्टूडेंट लोग हैं, ठीक है, वो सभी अपना कमेंट करते हैं, ठीक है। और इस कमेंट के माध्यम से उन्हें बताया जाता है। दीपक, सचिन, ठीक है, सभी लोग इसमें शामिल होते हैं। और शामिल होने के साथ साथ ऐसे भी बच्चे शामिल होते हैं जो अपना नाम नहीं बता रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बता रहे हैं, अपनी तैयारी करते रहिए। जो भी है, ठीक है, वो सब अपना काम करते रहिए। वीरेंद्र, ठीक है, और सारे सभी जितने भी हमारे जो है डियर हैं, प्रिय हैं, इस चैनल पे बने हुए हैं, ठीक है, वो सभी अपना काम जो है अच्छे से कर रहे हैं, इसीलिए हम भी अपना काम अच्छे से करते हुए चल रहे हैं। तो दोस्तों, आगे हम चलते हैं अपने लेक्चर 5 में, जो केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान का जो है दूसरा चैप्टर है, जिसे हम अम्ल क्षार लवण कहते थे, ठीक है। और अम्ल और क्षार लवण के हमारे 4 लेक्चर पहले से अपलोड हो चुके हैं, ये लेक्चर 5वां है जिसमें आपको जो है बताया जा रहा है। तो लेक्चर 5 में आपको बताया जा रहा है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ पे हेडिंग लग चुकी है, अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण, ठीक है। तो अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण में यहाँ हेडिंग लग चुका है, और इसमें अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण में यहाँ लेक्चर जो है 05 लिख दिया गया है, मतलब जो है लेक्चर 5 है। लेक्चर 5 मतलब होता है 5वां लेक्चर है इस चैप्टर का, जिसमें अभिक्रिया कराई जाएगी धातु के साथ। रासायनिक गुण क्या होते हैं कि मतलब इनकी जो है किसी से अभिक्रिया कराने के पश्चात ये कैसे जो है हमें क्या क्या देंगे या क्या बनेंगे, ये इनके रासायनिक गुण होते हैं। किसी के साथ मिलाने पे ये कैसे रिएक्ट करेंगे या इनकी कौन सी रिएक्शन होगी, ये हमारे रासायनिक गुण में होते हैं। तो हम अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण में पहली चीज से अभिक्रिया कराने जा रहे हैं, जिसमें लिखा गया है धातु की अभिक्रिया। हम धातु की अभिक्रिया एक बार अम्ल के साथ कराएंगे, एक बार क्षार के साथ अभिक्रिया कराएंगे। इसके अभिक्रिया के माध्यम से हम उसे समझेंगे कि इनमें क्या होता है। तो धातु की अभिक्रिया जो है एक बार हम जो है अम्ल के साथ कराएंगे, ठीक है। तो अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाएगी, अम्ल के साथ जब अभिक्रिया कराई जाएगी किसका, धातु की, किसकी कराई जाएगी, धातु की। तो दोस्तों, आप सब हिंदी मीडियम से हैं तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइए ना, आपके एक एक कॉन्सेप्ट को हिंदी में ही, टोटल हिंदी में ही हम बोलेंगे, इंग्लिश शब्द बहुत कम यूज किए करेंगे। आपके नॉलेज को जहाँ इंक्रीज करना रहेगा वहाँ हम जो है इंग्लिश शब्द का जो है मैनिपुलेट कर देंगे, या वहाँ पे आपको जो है लैंग्वेज में, बाय लैंग्वेज में बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप कॉपी पेन लेकर एकदम तैयार हैं तो तैयार रहिए और जो है आगे काम करते रहिए। तो यहाँ हम पहली अभिक्रिया कराएंगे अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ, और दूसरी अभिक्रिया होगी क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ। किसकी अभिक्रिया होगी, क्षार की अभिक्रिया जो है धातु के साथ होगी। तो दोस्तों, आप लोग ने अम्ल और क्षार के बारे में पीछे पहले ही सीख लिया था, अब यहां हम सीखेंगे अम्ल के अभिक्रिया धातु के साथ और क्षार की अभिक्रिया जो है धातु के साथ, ठीक है। तो यहाँ क्षार की अभिक्रिया हमारी धातु के साथ होगी और यहाँ अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब इनकी अभिक्रिया होती है, तो जब इनकी अभिक्रिया होती है, अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ होती है, तो ये जो है लवण देते हैं, क्या देते हैं, लवण देते हैं, साल्ट देते हैं, लवण देते हैं, और साथ साथ हाइड्रोजन गैस निकलता है, H2 निकलता है, ठीक। यहां तक समझ में आया, जब अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ होती है तो ये जो है लवण देते हैं और साथ साथ जो है हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला, यहाँ पे क्षार की अभिक्रिया जब धातु के साथ होती है तो ये भी हमारे लवण देते हैं, ये भी हमारे लवण देते हैं, और प्लस इनके साथ भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये तीर के इस साइड लिखा जा रहा है, मतलब ये प्रोडक्ट हो रहे हैं हमारे, ये बन के निकलेंगे, ये हमें मिलेगा ये जब अभिक्रिया कराया जाएगा। और इस साइड में भी तीर के इस साइड लिखा जा रहा है, ठीक है। तो बोर्ड पे यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा था इसलिए नीचे लिख दिया गया। तो ये लवण प्लस जो है
हाइड्रोजन गैस हमें जो है क्या करेंगे देंगे, ठीक है। तो यहाँ जो हम अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ कराएंगे तो ये लवण प्लस जो है हाइड्रोजन देंगे, और क्षार की अभिक्रिया जब जो है लवण धातु के साथ कराएगी तो ये भी लवण और हाइड्रोजन देंगे, ठीक है। यहाँ तक देख लीजिए, ठीक है। और फिर इसकी अभिक्रिया हम जो है कराते हैं, तो अम्ल में हम कोई भी अम्ल ले सकते हैं, जैसे हमारा परबल अम्ल ले रहे हैं, हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले रहे हैं, ठीक है, या सीएल किताब वाला ही हो जाए काम, ठीक है। और धातु में यहाँ पे हम जो है जिंक ले रहे हैं, धातु में हम क्या ले रहे हैं, जिंक ले रहे हैं, ठीक है। तो जब हम यहाँ अम्ल ले रहे हैं तो धातु की अभिक्रिया, जब धातु जो है हमारे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करेगा या सीएल के साथ क्रिया करेगा तो ये हमारा जिंक क्लोराइड देगा, क्या देगा, जिंक क्लोराइड ZnCl2। क्यों Cl2 बना रहा है, Zn के ऊपर प्लस टू चार्ज होता है और Cl के ऊपर माइनस चार्ज होता है, तो एक Zn जो है दो Cl को आपस में जोड़ेगा। तो यहाँ देख रहे हैं आप, एक Zn दो Cl को आपस में जोड़ा और ZnCl2 बनाया, और प्लस इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस क्या होंगे हमारे, मुक्त होंगे। हाइड्रोजन गैस क्या होंगे, मुक्त होंगे, ठीक है। हाइड्रोजन गैस इससे क्या होंगे, निकलेंगे। इस एरो का मतलब होता है कि हाइड्रोजन गैस निकल के वायुमंडल में जा रहा है। समीकरण को हम यहाँ जो है बैलेंस कर लेंगे, टू लगा देंगे तो समीकरण हमारा बैलेंस हो जाएगा। जिन भी दोस्तों को समीकरण बैलेंस करना नहीं आता है वो हमारे जो है रासायनिक अभिक्रिया के पहले वाले चैप्टर से जाके वहाँ से समीकरण बैलेंस करना सीख लेंगे, वहाँ अच्छे से सिखाया गया है, होमवर्क भी दिया गया है, वो होमवर्क करके हमारे व्हाट्सएप पे भेजेंगे तो हम उनका चेक करके अच्छे से बताएंगे आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं आपको कॉल करके अच्छे से समझा दिया जाएगा, कोई भी चिंता की बात नहीं है, आपको हर समय जो है अवेलेबल रहेंगे हम, ठीक है, और आपको समझाने का प्रयास हम करते रहेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो है धातु अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ हो रही है, और अम्ल की अभिक्रिया जब धातु के साथ होती है तो यहाँ लवण प्लस हमारे जो है हाइड्रोजन गैस निकलते हैं। दोस्तों आप इतना समझ में आया, तो यहाँ हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जिंक की अभिक्रिया जो है अभिक्रिया कर रही है, तो यहाँ से हमारा जो है जिंक क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन गैस बन रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे हम देखते हैं क्षार की अभिक्रिया, ठीक है। क्षार हम ले लेते हैं, कोई भी क्षार NaOH ले रहे हैं, इसकी भी अभिक्रिया हम धातु के साथ करा दे रहे हैं, जिंक के साथ करा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा सोडियम जिंकेट बनाता है, क्या बनाता है, सोडियम जिंकेट Na, ठीक है, NaZnO और प्लस हाइड्रोजन गैस हमारे यहाँ से क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। तो ये हमारा जो है सोडियम जिंकेट बनाता है, क्या बनाता है, सोडियम जिंकेट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सोडियम जिंकेट बनाते हैं। तो यहाँ से आप लोग तैयार कर लेंगे, ये हमारे सोडियम जिंकेट बनाते हैं, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा और देख लेते हैं हम, थोड़ा सा यहाँ से इसकी बैलेंसी में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो यहाँ से हमारे Zn के ऊपर प्लस टू चार्ज होता है तो यहाँ टू रहेगा और यहाँ ऑक्सीजन भी टू रहेंगे, तब हमारा सोडियम जिंकेट बनेगा और साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी जो है क्या होंगे, मुक्त होंगे। तो यहाँ से हम लिख लेंगे इसे, ये हमारे बना रहे हैं क्या, सोडियम जिंकेट, क्या बना रहे हैं, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। तो दोस्तों यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए था सबका, ठीक है, कि हमारे जो है अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो लवण प्लस हाइड्रोजन निकलेगा, क्षार भी धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे लवण प्लस हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा सा समीकरण बैलेंस करने के लिए यहाँ टू लगा लेते हैं जिससे हमारा समीकरण सारा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पता लगा कि यहाँ एक एक एग्जांपल से लिया गया कि इसमें हमारे एग्जांपल कौन से हैं, एग्जांपल इसमें लिया गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस जिंक से अभिक्रिया कराई गई तो ZnCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस निकला, ठीक है, समझ में आ रही है ना। और फिर यहां से हमारा जो है NaOH प्लस Zn, ठीक है, तो यहां से हमारे NaOH Zn, ठीक है, Na2 और ZnO2 है, सोडियम जिंकेट है। तो यहाँ पे हमारा बन के आया हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो ये मुक्त हो रहा है, ये जो है हमारी जब क्रिया होती है तो उसके साथ साथ निकलते हैं। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि ये वीडियो कैसा लगा और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम जो है थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से सभी दोस्त, ठीक है, आई होप आप सबकी स्क्रीन शॉट हो गई होगी, ठीक है। इसके आगे एक पॉइंट इसमें और हम देख लेते हैं, पाप टेस्ट बोलते हैं, पाप टेस्ट क्या होता है, पाप टेस्ट, पाप टेस्ट, ठीक है, पाप टेस्ट क्या होता है, तो पाप टेस्ट जो होते हैं हमारे, पाप टेस्ट क्या होते हैं, तो जब हम हाइड्रोजन को, ठीक है, किसको, हाइड्रोजन गैस जो हमारी निकलती है उसे जो हम चेक करते हैं, उस चेक करने की क्रिया को पाप टेस्ट बोला जाता है। जैसे हमारी यहाँ से मान लो पूरी जो है
सिस्टम तैयार की गई, ठीक है। और यहाँ से हमारा जो है इसे मिलाया उलाया गया, गर्म किया गया, ठीक है। गर्म करने के पश्चात यहाँ से हमारी प्रकनली लगाई गई और ये प्रकनली जो है आया और इसे हम जो है किसी बर्नर के माध्यम से रखे हैं और यहाँ से हमारे जो है हाइड्रोजन गैस मुक्त होंगी। इसमें से हाइड्रोजन गैस हमारा क्या होगा, मुक्त होगा। तो यहाँ पे हम एक ले लेंगे मोमबत्ती, क्या ले लेंगे, मोमबत्ती ले लेंगे जो जलेगा। मोमबत्ती क्या होगा, जलेगा। जब हमारे हाइड्रोजन गैस यहाँ से गर्म की जाएगी और गर्म करने के पश्चात जब ये निकलेगा, रिएक्शन होगी सारी, ठीक है। जब यहाँ से निकलेगा, निकलने के पश्चात हम यहाँ पे मोमबत्ती से जलाएंगे तो मोमबत्ती से जलाने के पश्चात उसमें कुछ ध्वनि आएंगे, साउंड आएंगे, आवाज़ आएंगे। जो साउंड या आवाज़ आएगा वो पॉप का आएगा, वो फट फट का मतलब दगता है फट फट, ठीक है। तो इसी को पॉप टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉप टेस्ट बोलते हैं। तो पॉप टेस्ट क्या होता है कि हमारे जो है इसमें जो अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया में यहाँ पे चेक किया जाता है कि हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल के आएंगे तो यहाँ पे ये मोमबत्ती के सहारे से ये जो है क्या होंगे, वहाँ पे जलेंगे और जलने के पश्चात उस तरह की साउंड आएगी। इस साउंड को ही हम जो है क्या बोलते हैं, पॉप टेस्ट बोलते हैं। तो ये एनसीईआरटी बुक में एक लाइन में लिख दिया गया है पॉप टेस्ट, ठीक है। तो पॉप टेस्ट में हम यही लिखेंगे कि हाइड्रोजन गैस को हम जो चेक करते हैं, चेक करने के लिए मोमबत्ती से उसे हम जलाते हैं और जलाने के पश्चात कुछ साउंड आती है और जो साउंड आती है वो पॉप जैसी साउंड होती है जिसे हम पॉप टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसमें चेक कर लिया जाता है, ये हमारे पॉप टेस्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोग नोट करिए फटाफट से।